आदाब आदाब अनिल, शुक्रिया आप आए तशरीफ लाए। आइए आइए, अब हम अनिल कपूर साहब की मौजूदगी में पूछते हैं कि हाउ डिड यू गेट मिस्टर इंडिया, इन द प्रेजेंस ऑफ मिस्टर इंडिया, लेट्स टॉक अबाउट दैट। अच्छा, मिस्टर इंडिया ऐसा हुआ कि बोनी कपूर मेरे पास आए मासूम के बाद, कि उन्होंने मासूम देखिए कहा कि यार तो बहुत समझदार डायरेक्टर हो। मैंने कहा वन मोर मैन फूल्ड ऐसे। तो उस वक्त वो मुझे एक दिन नीचे ऐसे घूमते घूमते मेरी जेब में 10,000 रुपये डाल के चले गए। मैंने 10,000 को भी देखा ही नहीं। मैंने कहा ये बोनी कपूर मुझे क्यों दे गए। अच्छा, तो फिर वो उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए पिक्चर डायरेक्ट करेंगे। उस वक्त मिस्टर इंडिया की साथ थोड़ी सी बात हुई थी, मैं गया उसके बाद जोशीले डायरेक्ट करने, जिसमें अनिल भी थे। उससे अनिल के साथ बड़ी दोस्ती हुई, उसके बाद मिस्टर इंडिया आया हमारे पास। हाउ वाज इट वर्किंग विद शेखर इन मिस्टर इंडिया? द एक्सपीरियंस with Shekhar working in both the films, Joshile and especially in Mr. India, was something which till today I've never experienced. I worked with many directors, but the kind of understanding and the kind of love, affection and everything I cannot express to you, but that kind of satisfaction I've never till today got in any of my directors. Is he like a very authoritative director? Ki yaar lagam aise kaske pakdo yaar actor ko zyada, matter of fact sitte reserve se to nikalne wale the unko फिल्म से, क्योंकि अथॉरिटिव नहीं है, सॉफ्ट है। तो यार सब मैं जिस डायरेक्टर के सेट पे जाता हूँ बहुत चिल्लाते हैं, शेखर तो चिल्लाते नहीं, मतलब इसको डायरेक्शन नहीं आती, एक्टरों से दब के रहता है। यू रिमेंबर दैट? मैं उसका एक बहुत अहम कैरेक्टर है, मैं चाहता हूँ कि आप उनकी बात सुन लें। हाय शेखर, आई हैव नॉट मेट यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट वुड यू बिलीव दैट आई रिमेंबर यू ऑल द टाइम। मैं तुम्हें आज से नहीं, बहुत मुद्दत से जानता हूँ, जब फिल्मों में तुम भी नहीं आए थे और मैं भी नहीं आया था। उस वक्त मैं एक गवर्नमेंट ऑफिस में नौकरी करता था और तुम जूहू बीच के ऊपर बरसात के दिनों में घूम रहे थे और कुछ लोग समुंदर के अंदर नहा रहे थे, और सडनली आपने कुछ चीखें सुनी। यू जस्ट वेंट एंड डाइव्ड इन टू द सी टू सेव दोज पीपल, and that was the family of a friend of mine. 86 mein, 85 या 86 mein, mujhe yaad nahi aa raha exactly, Boni Kapoor mere paas aaye ki ji unki ek film ban rahi hai Mr. India, aur unhone kaha ki bhi Shekhar Kapoor isko direct kar raha hai. To ekdam mere kaan khade ho gaye. Maine kaha Shekhar Kapoor isko kabhi filmon mein maine direction karte to dekha nahi, lekin bahut bahadur aur कामयाब आदमी है तो ज़रूर कुछ अच्छा ही करता होगा। और क्या क्रिएट किया तुमने वो कैरेक्टर मोगैम्बो का कि आज तक दुनिया उसकी दुहाई देती है। और मैंने बड़े फख्र के साथ फिल्म के अंदर कहा था मोगैम्बो खुश हुआ। अच्छा, लेकिन इनके साथ आपको काम करना बहुत रास आया होगा, क्योंकि अनिल का भी रेपुटेशन ये है कि जब तक बराबर वो सेटिस्फाई ना हो जाए कि भाई मुझे एग्जैक्टली यही चाहिए था, तब तक वो लगे रहते हैं उसमें। अनिल के बारे में ये कहूँगा कि कुछ एक्टर हैं जो 10% पर स्टार्ट करते हैं, फिर आपको आहिस्ते आहिस्ते, अनिल के साथ आई हैव नेवर नोटिस हिम गोइंग बिलो 80-85%। सो देन ऑल द टाइम यू स्पेंड इज फ्रॉम टेकिंग फ्रॉम 85 to 90 to 100। अच्छा, अप टू 85% तो इट्स अ क्वेश्चन ऑफ टेक्निक, टेक्निक तो सही है, बिटवीन 85 and 100 इट्स इंटरप्रटेशन। तो अनिल के साथ हमेशा इंटरप्रटेशन की बहस होती थी, टेक्निक की नहीं, सिर्फ इंटरप्रटेशन की।